और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें, जिससे नई अपडेट आपको समय समय पर मिल सके। नमस्कार, पोल खोल पोस्ट में आपका स्वागत है। किसान एकता संघ के बैनर तले ग्राम खैरा सोनपुर तहसील रामपुर नैकिन जिला सीधी मध्य प्रदेश में गंगा प्रसाद पांडे प्रदेश अध्यक्ष किसान एकता संघ नेतृत्व में धरना प्रदर्शन आंदोलन किया गया। आंदोलन में राष्ट्रीय एकता संघ के राष्ट्रीय कार्यकारण सदस्य यज्ञ जनारायण तिवारी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा इकाई किसान एकता संघ के अमित शर्मा जी, राष्ट्रीय लोक कलाकार दिल्ली सुरुदत्त जी, प्रदेश महामंत्री श्री तेज बहादुर सिंह परिहार, संभागीय संगठन मंत्री श्री दयानंद शुक्ला जी, अध्यक्ष सीधी शेषमणि शुक्ला, सतना जिलाध्यक्ष श्री राजभान द्विवेदी जी, किसान एकता संघ आदर्श शुक्ला जी, ग्राम खैरा मंचा सिंह होकर अपना अपना पक्ष प्रस्तुत किए तथा मांग पत्र में रखी आठों मांगों को विस्तार से चर्चा किए। सभी अतिथियों को माल्यार्पण से स्वागत प्रदेश अध्यक्ष किसान एकता संघ के द्वारा किया गया। श्री पांडे ने 8 सूत्रीय ज्ञापन SDM रामपुर नैकिन श्री राजेश मेहता जी को दिया गया, जो मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश SDM सीधी से कार्यवाही कराने का आश्वासन दिए हैं। कार्य में ग्राम खैरा कनकटी पोस्ता टकटैया अमिलिया हनुमानगढ़ के सैकड़ों किसान कार्यक्रम में उपस्थित रहे। कार्यक्रम का आभार ग्राम खैरा के श्री अनिल द्विवेदी जी ने किया। आपके द्वारा यहां धरना प्रदर्शन किया गया, किस मुद्दे में ये? और अपना नाम बताने की कष्ट करें। मैं गंगा प्रसाद पांडे, प्रदेश अध्यक्ष किसान एकता संघ मध्य प्रदेश। ये हमारे तहसील रामपुर नैकिन के अंतर्गत बहुत महत्वपूर्ण पुल सोन का बनने के लिए आज 3-4 साल से इंतज़ार कर रहे थे और इसका समय सीमा भी ख़त्म हो गई है, लेकिन समय सीमा ख़त्म होने के बाद भी 1.5 साल से संविदाकार जी द्वारा काम बंद कर दिया गया है, जिससे निकट भविष्य में कितना समय लगेगा कोई उम्मीद नहीं थी। इससे क्षुब्ध होकर के हमारे गांव के लोग और खैरा गांव के लोग हमसे आकर ये कहे कि इस बात का विरोध प्रदर्शन करना है, इसलिए इस किसान एकता संगठन के बैनर तले इन किसानों की ये दुख भरी आवाज़ जिसमें करीब 6-7 मांगे थी वो मैं दिया हूँ और इसी के तारतम्य में अब ये कार्यक्रम हुआ है। किसके नाम से ज्ञापन सौंपे? मैं मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन और DM सीधी के नाम से ज्ञापन दिया हूँ। धन्यवाद।